हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे, तो देख लीजिए। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, चौड़ाई इसकी 10 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, आर्महोल की लंबाई 5.5 है, 2.5 इंच की चौड़ाई है। तो देखिए गले की मार्किंग कर रहे हैं, नीचे के साइड से 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर दीजिएगा। अब दोनों मार्क को बराबर करते यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो लाइन ड्रॉ कर दिया, अब गले की लेंथ लेंगे तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं देखिए 10 इंच रख रही हूँ, तो 10 इंच पे मार्क करके बिल्कुल बराबर में लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की डिज़ाइन के लिए 1 इंच का कॉर्नर में एक मार्किंग करेंगे। ये मैंने मार्क कर दिया, अब यहाँ से राउंड नेक की मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हो चुकी है, राउंड नेक की कटिंग करेंगे इसकी। तो देख लीजिए मैं कटिंग इसका कैसे करें, इसे बराबर में राउंड नेक में कटिंग कर लीजिएगा। अब इसके साथ में ब्लाउज का फैब्रिक ले लिए, अब इसके भी गले की सेम कटिंग करेंगे राउंड नेक में ही। तो ये कटिंग हो चुकी है गले की, दोनों फैब्रिक को बराबर में रखेंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरे गले की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह कपड़े को दोनों को बिल्कुल बराबर करते हुए गले को स्टिच कीजिएगा। ये गले की स्टिचिंग मैंने कर दिया है पूरा, अब इस पर छोटी छोटी कट लगाएंगे। इससे जब इसको पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन को, तो गला बिल्कुल राउंड नेक में आ जाएगा प्रॉपरली। तो मैंने देखिए छोटी छोटी कट पूरा गले पे लगा दिया है। अब इसको पलट कर सीधा देखिए कर दिए, इसको बराबर कर लेंगे इस तरीके से हाथों से। फिर इसके ऊपर से देखिए फिनिशिंग की स्टिचिंग कर रहे हैं। ऐसे फिनिशिंग की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर लीजिएगा। अब ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे, तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल साइड से बराबर करते हुए पूरा ऑल राउंड स्टिचिंग कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए ऑल राउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली ब्लाउज की कर दिया है। नीचे के साइड से ब्लाउज में टक्स की स्टिचिंग करेंगे, तो माप ले लीजिएगा और बिल्कुल बराबर करते हुए टक्स को स्टिच कीजिएगा। ऐसे दोनों साइड से टक्स को स्टिच करेंगे, तो बिल्कुल माप लेते हुए दोनों साइड से टक्स की स्टिचिंग करनी थी। एक साइड से हो चुकी है, दूसरे साइड से भी टक्स को स्टिच कर देते हैं। तो मैंने देखिए दोनों साइड से टक्स की स्टिचिंग कर दिया है। नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए मैंने एक फैब्रिक कट कर रखा है, इसको बराबर करते हुए ब्लाउज के साथ में स्टिच करेंगे। तो देख लीजिए वीडियो में इसको ब्लाउज के साथ में कैसे स्टिच कर रही हूं, इसे बराबर करते हुए पूरी स्टिचिंग कर लीजिएगा फैब्रिक की। तो ये ब्लाउज के साथ में प्रॉपरली स्टिच हो चुका है। इसको बराबर में इस तरीके से फैला के इसके ऊपर के फैब्रिक को देखिए फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिए हैं। अब इस जो पट्टी को स्टिच किए, इसको पहले डबल फोल्ड इस तरीके से करेंगे और ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते हुए नीचे का बॉर्डर बनाएंगे और इसको स्टिच करेंगे। तो वीडियो में देख रहे हैं मैं कैसे इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे कर लीजिएगा पूरा। तो ये कम्प्लीटली देखिए बन चुका है नीचे का बॉर्डर, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके गले पर डिज़ाइन करनी है, तो ब्लाउज साइड रखेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने देख लीजिए कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट किया, इनकी लंबाई चौड़ाई जो रखी वो 3 इंच ही है। इनका मैं डिज़ाइन बनाऊंगी तो क्लियर आप वीडियो में देखिए इस तरीके से एक कॉर्नर से इसका पहले मैं राउंड राउंड करूंगी, फिर इसका इस तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे पूरा पकड़ कर। तो मैं देख रहे हैं डिज़ाइन कैसे बना रही हूँ, इस तरीके से राउंड करते हुए पकड़ कर नीचे के साइड से सिलाई लगा लेंगे पूरा। ऐसे ही मैं कुछ डिज़ाइन आपको इसके बना के दिखाती हूँ, और सारे सेम ऐसे ही बना लीजिएगा। तो मैंने आपको इतनी सारी डिज़ाइन बना के दिखाई, इसी तरीके से मैंने पूरा बना लिया है। इनको कटिंग करके थ्रेड को जो है अलग अलग रख देंगे और इसको साइड रखेंगे। न्यूज़पेपर लिए इसको डबल फोल्ड करके रख दिए, इसके ऊपर ब्लाउज को डबल फोल्ड करके रखते हुए मार्क करके फिर ये दूसरा मार्क कर दीजिएगा 1.5 इंच की चौड़ाई पे। और इसकी सेम कटिंग कर देंगे दोनों साइड से डिज़ाइन बनाने के लिए। तो मैंने ये वीडियो कट चुका था, इसलिए मैं आपको बता के दिखा दी हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर गले की कटिंग कर दी है। अब इसके साथ में मैं डिज़ाइन को अटैच करूँगी। डिज़ाइन ले लिया है, डिज़ाइन को इसी के ऊपर बिल्कुल बराबर रखते जाइएगा, बीच में गैप नहीं रखनी है, एक दूसरे के बराबर में ही गैपिंग बिना देते हुए पूरा इस पर अटैच कर देंगे।
तो देख लीजिए, मैंने पूरे गले पे इसको बराबर रखते हुए पूरा अटैच करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से कर लीजिएगा। तो मैंने अटैच कर दिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो इस डिज़ाइन में बची हुई इसको पूरा कटिंग करके निकाल लेंगे। तो मैं देख लीजिए इसको कैसे अच्छे से कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से पहले इसको रॉन्ग साइड से रखिएगा, फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखे उसे पूरा कटिंग करके निकाल दीजिएगा। ये देखिए डिज़ाइन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग करने के लिए पट्टी लिए, स्ट्रेच वाले क्रॉस में कटिंग किया था। मैं एक साइड से इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से पाइपिंग करने में पाइपिंग जो है ये सिकुड़ती नहीं है और आसानी से हो भी जाती है। तो यहाँ से मैं एक लेयर में पाइपिंग करूँगी। तो इसको यहाँ पे बराबर रखेंगे और पूरा सिलाई लगा के इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो ये अटैच कर दिया। अब राउंड करते हुए पतली सी पाइपिंग पूरा बनाएंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो आप चाहे डबल लेयर वाली पाइपिंग भी कर सकती है, वो भी पाइपिंग अच्छी होती है, वो भी गले को बिल्कुल परफेक्ट लेके आएगी, पाइपिंग भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो मैंने इसी तरीके से आपको ये दिखा दिया बनाते हुए। देखिए हो चुका है ये डिज़ाइन मेरा। तो आप डिज़ाइन की डेकोरेशन के लिए लेस लिए हैं। इसके पाइपिंग की जस्ट बगल से ही लेस को लगानी है। तो उसके साइड से रखते हुए पूरा लेस को इस पर अटैच कर देंगे। मैंने देखिए कम्प्लीटली पूरा ये लेस आपको लगाते हुए दिखा रही, इस तरीके से लगा दीजिएगा। तो डिज़ाइन बन चुकी है। अब इसको जो है साइड रखेंगे। और मैंने देखिए फैब्रिक कट किया, इसकी चौड़ाई सॉरी लंबाई जो रखी है वो 7.5 इंच रखी है, चौड़ाई जो रखी है वो 3.5 इंच है। तो इसको पहले डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं और इसकी साइड से सिलाई लगाते हैं। इसको पूरा दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे एक साथ में। एक साइड से इसकी हम आधी सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे जहाँ से इसको पलट कर सीधा करेंगे। अब यहीं से इसको प्रेस करते हो, किसी भी चीज़ से पलट कर सीधा कर दीजिएगा। देख लीजिए मैं कैसे सीधा कर रही हूँ, ऐसे प्रेस करती हूँ, पूरा सीधा इसको कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये मैंने सीधा कर दिया, जो जगह छोड़ी थी उसको अंदर की साइड डालती हूँ, वहाँ सिलाई लगा दी। ऐसे दूसरा भी डिज़ाइन बना लेंगे। दोनों बनाने के बाद इसके साइड से लेस लगाते हैं, इसको डेकोरेट करेंगे। तो क्लियर आप वीडियो में देख लीजिए। इसी तरीके से साइड से बिल्कुल लेस लगाते हुए पूरा अटैच कर दीजिएगा पूरा। तो मैं साइड साइड से ये लेस लगाते हुए इस डिज़ाइन पर दिखा रही हूँ। दूसरे डिज़ाइन को सेम ऐसे ही बनाइएगा। तो ये एक डिज़ाइन मेरी कम्प्लीटली देखिए बन चुका है। ऐसे दूसरा भी बना लेते हैं सेम। और इसको 4 पार्ट क्रॉसिंग में इस तरीके से, सॉरी क्रॉसिंग में नहीं, इसे 4 पार्ट में नॉर्मली फोल्ड कर लीजिएगा। बीच में इसके जो है एक कट लगा लेंगे छोटा सा। तो ये मैंने कट लगा दिया। अब यहीं से मैं डोरी डालूंगी। तो यहाँ से बिल्कुल बराबर रखती है। मैंने ये डोरी ले लिया है मार्केट की में से ही, मैंने ये मार्केट से लिया डोरी। आप मार्केट वाली डोरी यूज़ कर सकती हैं, बना के भी डोरी यूज़ कर सकती हैं। फिर इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हम इस फ्लावर को बनाएंगे। तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं मैं फ्लावर कैसे बना रही हूँ। तो ऐसे ही 20-20 से सिलाई लगाते हुए दो साइड से सिलाई लगा के फ्लावर 2 बना लेंगे। तो एक बन चुका है, एक और ऐसे बना देंगे। दोनों डोरियाँ कम्प्लीटली बन चुकी है। इसको साइड रखेंगे और ब्लाउज ले लिए। ब्लाउज के ऊपर डिज़ाइन को बिल्कुल बराबर रखेंगे गले पे ही, और सिलाई लगाते हुए गले को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से डिज़ाइन को अटैच कर देंगे गले पे। तो मैंने ये कम्प्लीटली ब्लाउज़ को डिज़ाइन के साथ में अटैच कर दिया है। अब इसका न्यूज़पेपर पूरा रिमूव कर देंगे। और जो डिज़ाइन मैंने लगाई है इसकी डेकोरेशन के लिए, ये मैंने कुछ मोतियाँ ले ली हैं गोल्डन कलर की बड़ी वाली। और जितनी भी डिज़ाइन बनी है सबके ऊपर मोती को ऐसे ही टक करेंगे। तो क्लियर आपको ये वीडियो में समझ में आ रही होगी मैं मोती कैसे टक कर रही हूँ। सभी मोतियाँ टक कर लीजिएगा डिज़ाइन पे। अब जो ये बनाए थे डोरी को दोनों कॉर्नर से अटैच कर देंगे। अब डोरी को अच्छे तरीके से बांध लीजिएगा गले पे। तो ये मेरी ब्लाउज डिज़ाइन देख लीजिए, बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बनाने में भी सिंपल सी डिज़ाइन है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ, जैसे ब्यूटीफुल और सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।